वोट ऑन अकाउंट असल विच सरकार द्वारा प्रस्तावित अंतरिम बजट हुंदा है जिस राही फुल फ्लैश्ड बजट तैयार होने तक सदन तो खर्चे करने की इजाजत ली जाती है। आम तौर पर यह वक्फा वध तो वध 3 महीनों का हुंदा है। रेगुलर बजट खर्चे ते आमदन दोहां दा वेरवा हुंदा है पर वोट ऑन अकाउंट सिर्फ खर्चियां दा वेरवा ही हुंदा है ते इस राही किसी किस्म दा टैक्स नहीं लगाया जाता। बजट नूं बहस तो बाद पास किया जाता है पर लिखा ग्रांट नूं बिना किसी बहस के ही पास कर दिता जाता है। मुक्ति गल यह है कि ग्रांट इन एडवांस हुंदी है जो सरकार अपना कामकाज चलाने लई विधानसभा तो पास करवाउंदी है। पंजाब दे वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा ने कल पंजाब विधानसभा पंजाब सरकार द्वारा अगले 3 महीने लिए राज सरकार का प्रबंध चलाने 37,120 करोड़ का वोट ऑन अकाउंट पेश किया है जो सदन द्वारा सर्वसम्मति नाल पास कर दिता गया। इस सरकार द्वारा मुख्य रूप से इस तरह नाल खर्चे करने की योजना है। खेतीबाड़ी 2,357 करोड़, सेहत 1,345 करोड़, सिक्ख्या खेडा कला और सभ्याचार 4,643 करोड़, स्थानक सरकार 1,310 करोड़, पब्लिक वर्क 570 करोड़, पेंडू विकास और पंचायत 767 करोड़, महिला और बाल विकास समाजिक सुरक्षा पेंशन 1,153 करोड़, तकनीकी सिक्ख्या उद्योग सिखलाई 145 करोड़, ट्रांसपोर्ट 146 करोड़, कर अबकारी 99 करोड़, उद्योग के व्यापार 644 करोड़, किरत 8 करोड़, राज का वाधू करजे से खर्च 5,342 करोड़, चुके हुए करजे से ब्याज की अदायगी 4,788 करोड़। हुण देखना यह है कि वोट ऑन अकाउंट का इस्तेमाल करके आप सरकार पंजाब नूं वित्तीय संकट चो कढेगी जां मनप्रीत बादल वांग खजाना खाली होने का आलाप जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।